प्लानिंग चल रही है कि वियतनाम जीतना चाहिए, वियतनाम का टूर्नामेंट है। एक टीम आके कैसे हरा दे रही है वियतनाम की सारी स्क्वाड को, ये बोल रहे हैं भाई ये कि अपना टूर्नामेंट अपने इधर ही रहना चाहिए। बाहर की टीम कैसे जीत रही है? अबे भोसड़ी के मादर चोद, एक तो तू बच्चा है भोसड़ी के, सबसे पहली चीज कोई गार्ड भी मान लेगा तेरी बहन चोद, पता नहीं लगेगा। एक तो मुंह पे अगर इससे बात करो ना, मुंह पे बुद्ध देता है मादर चोद अपनी पैंट में भोसड़ी का, मतलब इतना ज्यादा किसी की गांड मान लो बहन चोद, उसका बाप भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ ले। अबे तेरे को शर्म आनी चाहिए बहन के लिए, इसकी बात सुधरना चाहिए था तेरे को, वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए थी, मैटर को सॉल्व कर देना चाहिए। नोटिस करो कितने सारे कैमरे लगे, देखो ऊपर यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ, यहाँ पर मेरा माउस दिख रहा है ना, यहाँ पर एक कैमरा है, यहाँ पर एक कैमरा है, और जहाँ पर वो केस के अंदर बंदा है तुम उसके ऊपर नोटिस करना, जहाँ था कैमरा है देखो वॉल में, जहाँ था कैमरा है, मतलब ये रियल टाइम शूट हो रहा है, और इतना एंगल से इसका फुटेज मिलेगा ना, मतलब अलग अलग एंगल से अलग अलग फुटेज, भाई एडिटर ने कितना मेहनत किया है भाई। तो हे गाइस, आज की वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कल नॉनस्टॉप भाई ने इंडिया वर्सेस वियतनाम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इंडिया लीड पे थी, जिससे वियतनाम वालों का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था। आप ये क्लिप देखिए। हेलो मिस्टर विन, ओ मीटिंग चल रही है, वो सीना भी है इधर, सीना है इधर, डोआन ट्रोंग है, और किसको जानते हैं, भाई एनजी बन गई है क्या वियतनाम में? भाई प्लानिंग चल रही है कि वियतनाम जीतना चाहिए, वियतनाम का टूर्नामेंट है। एक टीम आके कैसे हरा दे रही है वियतनाम की सारी स्क्वाड को, ये बोल रहे हैं भाई ये कि अपना टूर्नामेंट अपने इधर ही रहना चाहिए। बाहर की टीम कैसे जीत रही है? गुस्सा है ये भी, bắn hai cái trận đầu rồi, देख रहे हो भाई गुस्सा है, bắn hai trận đầu rồi, bây giờ ví dụ mày nói cái câu chuyện là ngày trước anh bảo là thằng này bắn nhiều đội, thế bây giờ cái xong cái trận đấy tao không xử thua luôn đội Infinity, tao đã bảo đừng bắn nữa rồi, thế mắc gì bây giờ sang cái trận tiếp theo mày bị nghi ngờ bị đấy, bây giờ YouTube mày bảo mày đi, mày thề mày cũng đến, mày thề mày có trận lắm thề, Sky YouTube 12,000 subscriber abhi 63 watching chal rahi hai, Mr. Win ba mẹ chết mà đơn giản gì anh? Tao có mắc gì tao bảo là ba mẹ mày chết hay cái gì đâu mà mày đi mày bảo thề thế? mày lôi mày ra luôn, bản thân mày đi. Mình bản lĩnh nên mình làm, mình tự mình chịu đi, bắt gì lôi bố mẹ mình ra. भाई गुस्सा हो रहे हैं, वियतनाम क्यों नहीं जीत रही है, बड़ी खिलाएंगे किसको भाई, ए में फार गई तो ये इन्फिनिटी को ही मौका मिलेगा, मेरे से तो ये बोल रहे हैं। देखो ये किरोरो भी खेलने आया है यहाँ पे, डीएमआई खेलने आया, टीएमक्यू खेलने आया, सीना खेलने आया है, भाई मीटिंग में हमें बुला लो यार भाई। बट ऐसा क्या सीरियस डिस्कशन चल रहा है, इतने बंदे बैठे हैं, 5 मिनट हो गए भाई, जल्दी करवाओ या फिर कल के लिए कर दो, कल के क्या मंडे के लिए कर दो भाई सेट। तो अमित भाई ने मिस्टर बीस्ट की न्यू वीडियो पे रिएक्शन दिया है, आप ये क्लिप देखिए। एक मिनट, उस जैकेट से इतनी जल्दी कैसे निकल गया? फर्क नहीं पड़ता, ये अगला फ्लोर पार करना 2 गुना मुश्किल है। ओके, धीरे धीरे आराम से। ओ नहीं, तुमने वहाँ पर आग लगाई है। ओके सुनो, मेटल के पिंजरे को खोलने के लिए जमीन पर पड़े लॉक पिक को यूज करना होगा। भाई कैमरा, तुम लोग नोटिस करो कितने सारे कैमरे लगे, देखो ऊपर यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ, देखो यहाँ पर मेरा माउस दिख रहा है ना, यहाँ पर एक कैमरा है, यहाँ पर एक कैमरा है, और जहाँ पर वो केस के अंदर बंदा है तुम उसके ऊपर नोटिस करना, जहाँ था कैमरा है देखो वॉल में, जहाँ था कैमरा है, मतलब ये रियल टाइम शूट हो रहा है, और इतना एंगल से इसका फुटेज मिलेगा ना, मतलब अलग अलग एंगल से अलग अलग फुटेज, भाई एडिटर ने कितना मेहनत किया है भाई। के बावजूद लॉक को खोलना बहुत ही ट्रिकी होता है, तीनों पिंस को परफेक्टली एक साथ लाकर ही वो बाहर आ सकता है। बाय द वे, ताकि आपको भरोसा हो सके कि ये वीडियो 100% रियल टाइम है, अभी से आप दासी का अनकट वाला शॉट इस वीडियो के कॉर्नर में देख सकते हैं, और इस वक्त 1 मिनट पूरा हो चुका है और वो अब तक पहले रूम में ही है, याद रहे उसे इस टावर के 5 फ्लोर को पार करना होगा और वक्त से पहले वो बटन दबाना होगा। बस ऐसे बोल रहा हूँ ना, काफी बढ़िया है मिस्टर बीस्ट के साथ साथ से वीडियो का अरेंज करने में टाइम लगा होगा, बट शूट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा क्योंकि 10 मिनट में पूरा शूट ही खत्म यार। बटन यहाँ पर है ताकि वो धमाके से अपने $2.5 लाख बचा सके। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज जल्दी जल्दी करो। वो मैच वो लॉक खोल रहा है, क्या वो सही बस से चल रहा है या नहीं? हाँ अभी के लिए, पर आगे वो इससे भी मुश्किल रूम में जाने वाला है, जरा संभल कर चल मत जाना। ये है फ्लोर नंबर 4, ठीक है, तो ये पूरा फ्लोर ग्लू से भरा हुआ है, या तो मंकी बार से जाना होगा या फिर इस ग्लू से गुजरना होगा।
और मेरी सलाह ये है कि उसे इस ग्लू से नहीं गुजरना चाहिए। अब तक मंकी बार्स तो सही कर रहा है, चलते जाओ। कम ऑन डार्सी, जल्दी करो, 2 मिनट हो चुके हैं, ऊपर ऊपर से चलते जाओ। ओ नहीं, ऐसे घूम क्यों रहे हो, घूमना बंद करो। अगर वो गिरा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे चिपचिपा ग्लू है। मजाक नहीं कर रहा हूं, इसके शूज चिपक जाएंगे। अभी 2 मिनट बीत चुके हैं, देखो वो झूल रहा है, उसने एक बार भी जमीन को नहीं छुआ। सच में कमाल है, वो एग्जिट तक पहुंच भी गया। भाई बंदा बहुत लाइक पावरफुल बंदा है, खोलने वाला है। इसमें झूलना ना बहुत हार्ड होता है, पता है, लाइक कमजोर इंसान नहीं झूल सकते इतना लंबा। वो बंदा झूल के पार कर गया, मतलब बंदरों की तरह। अब वो स्टैमिना का भी रूम में जाने वाला है, हमें नीचे ले चलो। देखते रहे ना, वो नीचे कूदेगा। ओह माय गॉश, मैं बहुत थक गया हूं। ओ, उसे परेशानी हो रही है, पर वो रस्सी के सहारे फ्लोर 3 पर आ गया है। एनिमल है क्या? जो है बोल्डर रूम। ये रूम बहुत आसान है। गाइस ये देख के किस किस को याद आया, हम जब छोटे थे, मैं जब छोटा था ना, तो हम लोग पोगो में देखते थे जावेद जाफर के कमेंट्री के साथ में, वो द केसिस कासल, ऐसा लग रहा है ना चाहिए। वक्त में तुम्हारे $2.5 लाख फटने वाले हैं। एक मिनट, $2.5 लाख कितना होता है गाइज? एक मिनट $2.5 लाख कितना होता है कमेंट में बताना, ठीक, कितना होता है? शायद से 1.6 करोड़, 2 करोड़ के आसपास का पैसा है वो। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि टेक प्रो हॉर्स वर्सेस बॉस वाई उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसपे बॉस ऑफिशियल ने रिएक्ट किया है। आप ये क्लिप देखिए। चाहिए आ जा तेरी माँ की चूत में 10 लाख हाथ डालता हूँ बहन के लिए, रुक जा। आज की वीडियो में तेरे को बहुत मजा आएगा। देखो तुम लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था, तुम क्यों नहीं बोल रहे इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, बॉस आई उसका सपोर्ट करो। भाई तुमको लगता है उस बंदे को सपोर्ट की जरूरत है? अकेला गांड मार दिया इस चूते की अच्छे से, मतलब भैंचो रो गया भाई ये बंदा, हाथ पैर जो, मतलब तुम ये सोचो एक अकेले बंदे ने इसके बाप को, इसके घर वालों को पुलिस स्टेशन तक खींच के ले आया दूसरे स्टेट से, हिमाचल से आके यूपी में वो बंदा सिस्टम दिखा रहा है। तो तुम समझ जाओ भाई, उस बंदे को क्या मैं सपोर्ट करूं? तुमको लगता है भाई सपोर्ट की जरूरत है? ये गरीब, इसकी माँ की चूत, इंग्लैंड तू बोलता है ना तेरी वजह से आयुष का घर चलता है, बॉस का घर चलता है, बॉस वाले पैनल यूज करते हैं, तेरी माँ का भेजा इंग्लैंड, इतना पैसा है ना बॉस के एक एक बंदे के पास, तेरे 7 खानदान को ना एक साथ खरीद लेंगे भैंचोदर। हम देख के आए हैं तेरा सिस्टम। देखो वैसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी तेरी औकात है ना उतनी तेरी उम्र है और उतनी तेरी हाइट है, छोटा। ये मादर चोर भोसड़ी का खुद को रोस्टर बताता है, भैंडलैंड क्या डालता है, शॉर्ट्स डालता है भैन चोर, और ऐसा शॉर्ट्स नहीं कि रोस्ट करके या फिर एक्सपोज करके शॉर्ट्स डाल रहा है, नहीं, निब्बा निब्बी वाला शॉर्ट डालता है, पता नहीं कौन सी निब्बी पकड़ के लाता है ये, उसके साथ शॉर्ट्स बनाता है। अरे भोसड़ी के, जब तू इन्फ्लुएंस करने आया, खुद को इन्फ्लुएंसर बताता है, ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा तेरी माँ की छूत भोसड़ी के, ये होता है इन्फ्लुएंस। मादर चोर 2024 में आ गए हम, भोसड़ी का पुराना जमाना गया, उस जमाने में सब प्रैंक करते थे, समझ में आता था। चूती अभी के पास, तेरे को भी पता है, तेरे पास जो ऑडियंस है वो बैल बुद्धि है, बच्ची है, पिकाचू है, जो टट्टी प्रोहर्स हर टाइम करते रहती है। उन चूतियों को अच्छी चीज तो सिखा मादर चोद। ये जो फेक ऐप, कभी फेक डायमंड ऐप, तू क्या बताता है, रूटर पे डायमंड मिलता है, तेरी माता भोसड़ा मिलता है भैंसो रूटर पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक तो ये मादर चोद बेमतलब का पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिया, मतलब ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झार में, घुस जाओ मेरी गांड में, अपनी गांड में खुद ले लिया बड़ा सा लंबा सा लकड़ी, और भैंसो लकड़ी उसकी गांड में गई, उसके बाद तिल मिला गया मादर चोद। तो गाइस टेक प्रोहर्स ने अपना फेस रिवील कर दिया है और वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अपने 3-4 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दो।